क्या मैं एक ऐसे शायर को आमंत्रित करना चाहता हूँ, उनका मकाम नहीं है, वो हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायरों में शुमार होते हैं, भाई इकबाल अशर, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। वो इस मंच पर उर्दू शायरी के प्रतीक हैं, शरीफ भारतीय उर्दू हास्य व्यंग के प्रतीक हैं, हिंदी कविता हो चुकी है 3-4 लोगों के द्वारा, मैं चाहता हूँ उर्दू शायरी के एक बड़े प्रतिनिधि भाई इकबाल अशर आएँ और अपनी शायरी से हम सबको नवाजें। हम ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। मैं बहुत सम्मान के साथ भाई इकबाल अशर को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और अपनी बारी में अपनी खूबसूरत गजलें खूबसूरत आवाज में हम सबको दें। भाई इकबाल अशर। मैं एक नज़्म सुना रहा हूँ, उनवान है उसी, ये पुरानी नस्ल की तरफ से नई नस्ल के नाम है जी। मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरे बच्चों मेरी उंगली न, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे हाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे हाथ डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो, मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ, पिछड़ने का बहाना चाहता हूँ, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ। एक नज्म और सुन लीजिए, मुख्तसर नज्म है ये भी, चूँकि जहन में ये बात इस तरह आती है कि ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, तो ये दानिशवरों का बुद्धिजीवियों का मरकज है जी, तो शायर ये उम्मीद करता है कि उसकी बात शायद बेहतर तरीके से सुनी और समझी जाएगी। तो मैं, ये एक बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है ओल्ड एज होम के हवाले से जी, एक नज़्म पढ़ रहा हूँ। इसका उनवान ये है बाप का खत, वृद्ध आश्रम से बाप का खत बेटे के नाम, क्या फरमाए, वृद्ध आश्रम से एक बाप का खत बेटे के नाम। अर्ज करता हूँ कि तुम मेरी फिक्र न करना हरगिज, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ यहाँ, तुम मेरी फिक्र न करना हरगिज, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ यहाँ, बात करने के लिए पंछी हैं, दर्द कहने के लिए दीवारें, दर्द लिखने के लिए आंसू हैं, खुद कलामी के लिए तन्हाई, पहरेदारी के लिए साया। भाई वाह 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 वाह, मेरी फिक्र न करना हरगिज, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ यहाँ, बात करने के लिए पंछी हैं, दर्द कहने के लिए दीवारें, दर्द लिखने के लिए आंसू हैं, खुद कलामी के लिए तन्हाई, पहरेदारी के लिए साया है, कोई दुख है तो बस इतना के यहाँ, कोई दुख है तो बस इतना के यहाँ, फूल खिलते हैं मगर हंसते नहीं, आए हाय आए हाय, कोई दुख है तो बस इतना के यहाँ, फूल खिलते हैं मगर हंसते नहीं, रात कोई दुख है तो बस इतना के यहाँ, फूल खिलते हैं मगर हंसते नहीं, रात आहिस्ता गुजरती है बहुत, चांद गमगीन नजर आता है, और सूरज के निकलने पर भी सुबह धुंधली सी नजर आती है। क्या
रात आहिस्ता गुजरती है बहुत, चांद गमगीन नजर आता है और सूरज के गुजरने पर भी सुबह धुंधली सी नजर आती है। खैर ये रूह के आजार है सब, तकलीफें खैर ये रूह के आजार है सब, जिस्म को कोई भी आजार नहीं। मुतमईन है मेरे चारा घर भी, वो भी कहते हैं मैं बीमार नहीं। तुम मेरी फिक्र न करना हरगिज, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बहुत शुक्रिया। दो तीन शेर बदल के, बिल्कुल 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 इंसान है। वाह वाह, हम मुतरन्नी मौ करके थोड़ा हो जाए जी। मैं पता नहीं और लोग उदास रहते हैं या नहीं, दो तीन शेर सुना देता हूँ। ये खड़े हुए भी हैं और सुन भी रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। तो दो तीन शेर सुन लीजिए इनकी पसंद के। आप सब समझते हैं कि जैसे काफिये होते हैं गज़ल में तो वो अलग अलग होते हैं, लेकिन मैंने कुछ शेर ऐसे कहे कि एक काफिया उसमें ज़्यादा इस्तेमाल किया। अर्ज करता हूँ, भाई बदरुद्दीन साहब बैठे हैं। इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे, बात आ रही है मगर दीवाने पन की धाक नहीं आ रही, लग नहीं रहा कि अब जरा सा महसूस कराइए। इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे, इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे। मैं चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे, चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे। कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी, कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी, हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे। अब देखिए ये शेर में समझ लीजिए कि ये शेर सुनाने आया था बस मैं। मुझे दिखिया। एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, वकार स्वाभिमान। लिहाजा फरमाया शेर देखिए, उदास रहने लगे अजीम लोग थे टूटे तो एक वकार के साथ। उम्मीद है कि आप इस शेर की बात फरमाएंगे जाहिर साहब। अजीम लोग थे टूटे तो एक वकार के साथ, अजीम लोग थे टूटे तो एक वकार के साथ, किसी से कुछ न कहा बस उदास रहने लगे, किसी से कुछ न कहा। अजीम लोग थे टूटे तो एक वकार के साथ, अजीम लोग थे टूटे तो एक वकार के साथ, किसी से कुछ न कहा बस उदास रहने लगे। तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, मुस्कुराहट को कहते हैं तबस्सुम। तमाम फरमाइए, तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, तेरी खुशी के लिए हम उदास रहने लगे। उदासी एक इबादत है इश्क मजहब की, उदासी एक इबादत है इश्क मजहब की,
वो कामयाब हुए जो उदास हैं। वो शेरों की का हुक्म है जी, वो शेर सुन लीजिए। सुरेंद्र शर्मा साहब हमारे हादसे बहन की आबरू अभी श्री तशीफ ले आए हैं, क्षमा फरमाए दूसरे। तालियां कुछ कम बनी बजी हैं सुरेंद्र जी के इस्तकबाल में, इस बहाने माहौल भी बन जाएगा। वो शेर सुन लीजिए सर। उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, हाँ उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, वो दिल जो बाज न आए फरेब खाने से, वो दिल जो बाज न आए फरेब खाने से। नीरज जी आज हमारे दरमियान नहीं है, तो ऐसे अजीम लोग जब दुनिया से जाते हैं तो इस मौजू पर मैंने शेर कहा था और नीरज जी को भी बड़ा पसंद था ये शेर, तो इस पर मैं ख़त्म कर रहा हूँ अपना कलाम। एक लफ्ज इस्तेमाल होगा इसमें, आफ्ताब सूरज को कहते हैं जी सर। अब शेर का शेर के साथ जुड़ जाइए जरा सा। वो दिल जो बाज ना आए फरेब खाने से, न जाने कितने चराहों को मिल गई शोहरत, न जाने कितने चराहों को मिल गई शोहरत, एक आफ्ताब के बेवक्त डूब जाने।